चलो आज जेली फिशिंग करने जाएंगे आपने ढाई साल की उम्र में डबिंग करना शुरू कर हाँ ऐसा मैंने भी सुना <laughs> <laughs> आज हम दिखा देंगे कि पावर रेंजर्स में कितना दम है लेट्स लेट्स गो गो मैं मेरे बालों पे मैंने लगाया उसके बाद मुझे फर्क पड़ा मतलब ऐसे कौन बोलता है कभी कभी सड़क पे कोई मिल जाता है जरा सुनाना डोरेबोर्न की <laughs> मुझे देख के लोग समझते कि बहुत एरोगेंट है एटीट्यूड है तो इससे अच्छा मैं चुप रहता हूँ फिर <laughs> बच्चा डॉक्टर इंजीनियर पायलट बनता है हाँ। ये क्या है तो मैं ना बड़े शान से टीवी ऑन करता था और जो एनिमेशन चैनल लगा लो ना उस पे मेरी वॉइस होती ही होती है तो मैं बोलता था ये मेरी आवाज है ये मेरी आवाज है लाखों पे कमा सकते हैं वॉइस आर्टिस्ट कमा सकते हैं शायद तुझे बदला लेने के लिए पाले हुए कुत्तों और भाड़े के टट्टुओं की जरूरत पड़ती होगी हम कुत्ते को कुत्ता नहीं बोल सकते हमें डॉग बोलना पड़ता है और हाँ, डॉगी बोलना डौगी बोलना पड़ता बोलना है तूने ये काम किया तुमने बताया क्यों नहीं तो मैं बोलता हूँ जिसको बताना चाहिए था ना उसको बता दिया जो मुझे और काम देगा। <laughs> <laughs>

क्यों क्योंकि डबिंग तो रोज करते हैं पर ये जो हाँ। बातचीत करना होता है ना ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि मैं कभी फैमिली फंक्शंस में भी होता हूँ तो लोग बोलते हैं कि यार इतने चुप चुप क्यों कभी पूछते हैं कि क्या हुआ हाँ। तो मैं मजाक में अपनी कमी छुपाने के लिए कहता हूँ मैं बोलने के पैसे लेता हूँ <laughs> ये बात तो है हम लोग बोलने के पैसे लेते हैं मैं भी उत्कर्ष को कभी कभी बोलती हूँ कि और मेघना जी भी आई थी शो पे तो शिबु लाइक कि मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि मेरी बात सुना करो मैं बोलने हुँ. के पैसे लेती हूँ <laughs> तो ये बहुत सही डायलॉग हाँ। है लेकिन ना आपकी पर्सनैलिटी कितनी अलग है आप इतने शांत हो और आप इतनी सारी वॉइस करते हो इतने सारे कैरेक्टर्स करते हो कैरेक्टर्स में जान डालते हो ये कैसे ये इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट कैसे पॉसिबल शायद मैं शांत रहता हूँ इसलिए मेरे अंदर बहुत कुछ बचा हुआ होता है एज रिसोर्स जिसको मैं माइक पे यूज़ कर पाऊँ अपनी परफॉर्मेंस में यूज़ कर पाऊँ हाँ वैसे आई एम श्योर कि Since we know each other, हम लोग साथ में काम करते हैं तो आई एम श्योर की आई होप कि मैं आपको कम्फर्टेबल कर पाऊँ आपकी नर्वसनेस थोड़ी दूर yes, हो yes. जाए <laughs> <laughs> अच्छा सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि डबिंग इंडस्ट्री में आ, मैं वैसे ऑडियंस के लिए पूछ रही हूँ मुझे तो इस बात का जवाब पता है पर डबिंग इंडस्ट्री में नेपोटिज्म होता है नेपोटिज्म होता है पर उसको नेपोटिज्म नहीं कह सकते क्योंकि क्या होता है हम, हमें भी अपने आप को प्रूव करना ही पड़ता है हम जाते हैं ऑडिशन देते हैं अगर हमारी वॉइस सूट होगी अगर हम पकड़ पाएंगे परफॉर्म कर पाएंगे तो हमें काम मिलेगा तो ऐसा ऐसा है, है तो सही काफी लोगों के बच्चे हैं मेरी खुद मॉम डबिंग आर्टिस्ट थी एक्टर थी तो उनकी वजह से ही मैं इस लाइन में आया लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तो मॉम एक बार एक डबिंग पे गई थी अच्छा। तो मैं साथ में चला गया टीवी वाले वैसा नहीं होता था एक और ऑप्टिकल पे पूरा स्क्रीन जैसे मूवी है वैसे ही चल रहा था अच्छा। तो देख के मुझे एक अलग सी फीलिंग आई कि यार ये ये कैसी जगह यहाँ पे लोग और खड़े होके बात कर रहे वगैरह कितने छोटे थे तब आप मैं छह सात साल का रहूंगा तो जो थे वहाँ पे जो करा रहे थे डबिंग उन्होंने पूछा कि जी आपका बेटा डब हुँ, करेगा हुँ, तो उन्होंने बोला नहीं वो तो सिर्फ ऐसे ही आया है फिर वो कुछ ब्रेक के लिए चली गई तो लोग ने मुझे कहा कि बेटा एक है करेगा क्या और मैं वैसे ही एकदम <laughs> उस रंग में रंग गया था हाँ, हाँ, तो उन्होंने मुझे खड़ा किया और मेरे कोई डायलॉग्स नहीं थे अच्छा वो विलन आता बच्चे का मुंह पकड़ता है तो उसने जैसे ही पकड़ मैंने सिसकिया दी Okay. तो उन लोगों को लगा कि मेरी मॉम झूठ बोल रही है वो बोले यार जी आप तो ये तो बच्चा से इतने अच्छे एक्सप्रेशन दे सकता है तो मेरे डायलॉग्स भी नहीं थे सिर्फ मैंने एक्सप्रेशन से परफॉर्म किया था तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हो जाती हैं हाँ। और आनंद स्टूडियो था वो देवानंद का स्टूडियो था भी okay. और मुझे इतना मज़ा आता था मुझे लगता ही नहीं था मैं काम कर रहा हूँ अब भी नहीं लगता क्योंकि तब लिमिटेड स्टूडियोज थे तो जितने भी एक्टर्स हो गए तब के जो थे शाहरुख खान अक्षय कुमार सलमान खान ये सब आते थे अच्छा एक बार मुझे याद है शाहरुख खान भी ऐसे खड़े थे तो तब बाजीगर आई थी और मुझे लगता था कि उनकी आंखें असली में ब्लू है ओके तो मैं बार बार नीचे से जाते हुए दिखता था ये ब्लू है कि नहीं अच्छा तो आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे और वो क्या करने आए थे वहाँ पे दो स्टूडियोज थे तो अपना एक अलग स्टूडियो में डब चल रहा था उनका और मेरा अलग स्टूडियो में चल रहा था वाँ। तो मतलब आप आप बचपन में, में ही इतने सारे से मिल हाँ लकी देख चुका हूँ क्योंकि तब स्टूडियोज लिमिटेड थे चार पाँच ही थे बा, कुछ बैंडरा में थे कुछ यहाँ पे थे अब तो काफी सारे हो गए और टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं उस वक्त बहुत मुश्किल भी होता था कि जब अगर सिंक पकड़ना जब जब बोलना स्टार्ट किया तो हमें परफेक्टली बोलना होता था तो मैं छोटा था तो मेरे साथ कोई असिस्टेंट होता था जो वैसे मारता था आपको बताने के लिए बोलो अच्छा हाँ। ये मेरे साथ भी हो चुका है तो मैंने ना ऑल इंडिया रेडियो से शुरू किया था ओके। और मैं सात आठ साल की थी तो ऐसे ही रेडियो प्लेस होते थे एंड रीटेक का मतलब होता था पूरा सीन दोबारा होगा तो अब मैं चाइल्ड आर्टिस्ट थी तो बच्चे का वैसे ही रोल थोड़ा सा होता है तो मुझे याद है कि एक माइक इधर रखा है एक माइक सामने रखा है एक माइक पे दो लोग खड़े हो सकते हैं आमने सामने और रिकॉर्ड हो रहा है पूरा सीन रिकॉर्ड हो रहा है और बहुत इंटेंस डायलॉग्स चल रहे हैं और जैसे ही मेरी बारी आती थी ना तो एक आर्टिस्ट यहाँ से फटाफट हटता था, था एक दूसरे आर्टिस्ट धीरे से यहाँ पे डायलॉग चल रहे हैं धीरे से स्टूल रखते थे मैं उस पर धीरे से चढ़ती थी और फिर यहाँ से मुझे बोलते थे चलो बोलो <laughs> तो बहुत ही क्रेजी सीन होता था अब तो बहुत आसान हो गई हैं चीज़ें एक एक वर्ड भी रीपंच कर लेते हैं हम री रिकॉर्ड कर लेते हैं अच्छा हम लोग आराम से अभी बात कर रहे थे बैठ के तो आपने एक एक लाइन बोली कि हम लोग रिप्लेस होते रहते हैं क्यों बोला आपने ऐसा मुझे पता है हम लोग रिप्लेस होते रहते हैं बट इज इट पेनफुल फॉर यू आप भी बहुत बार रिप्लेस हुए होंगे एक्चुअली मेरा मेरी जो स्टार्ट हुई थी ना मैं खुद किसी का रिप्लेसमेंट था <laughs> 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 क्या बात कर रहे हो तो बचपन में ऐसा होता था कि मैं ऑडिशन देता था हाँ। और होता कोई और अप्रूव था लेकिन किसी कारणवश वो घूम फिर के मेरे पास आता था जैसे स्मॉल वॉन्डर्स में अ uh, मैं अप्रूव नहीं था वॉइस क्योंकि मुझे अच्छा। उस दिन बहुत सर्दी थी तो मैं ऑडिशन के लिए गया तो उन्होंने कहा कि अगर आप ऑडिशन दोगे और ये नेजल वॉइस अगर आपकी सिलेक्ट हो गए तो फिर बाद में तो ये निकलेगी नहीं हाँ। तो मैंने नहीं दिया बट बाय द वे सॉरी फॉर कटिंग यू हियर आई हैव टू से स्मॉल वंडर्स मतलब 90s के जो बच्चे थे उनके लिए वो ज्यादा शोज़ आते नहीं थे उस टाइम पर स्मॉल वंडर वाज लाइक मैजिक फॉर अस बहुत ही अमेजिंग मैंने खुद देखा है स्मॉल वंडर्स हाँ हमें हॉलिडे हो, होमवर्क मिला था कि इस पे प्रोजेक्ट बना के लाना तो उसको याद करो तो वो एक अलग सा वक्त एक अलग सी फीलिंग आती है बहुत ही बहुत ही मजेदार शो था वो एनीवे anyway, आप बता रहे थे कि हां तो आपको कोल्ड था मुझे सर्दी थी तो तो मैंने ऑडिशन नहीं दिया एक डिफरेंट स्ट्रोक्स एक शो आता था सोनी पे okay. फिर जिंगल ऑल द वे आर्नोल्ड की मूवी थी ऐसी काफी सारी हाँ, चीजें हैं हाँ. जो मैं खुद रिप्लेसमेंट था किसी oh. का कोई बीमार पड़ गया कोई अवेलेबल नहीं था किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई हुँ. और एक आध बार तो क्योंकि मैं फास्ट थोड़ा कर लेता था तब हुँ. तो उनको लालच होता था कि यार ये जल्दी कर देगा ऐसे करा लो हुँ. क्योंकि तब फा फास्ट होने की बहुत अहमियत थी क्योंकि इतने सॉफ्टवेयर्स नहीं थे और ये सब नहीं था हुँ, हुँ, तो हाँ। रिप्लेसमेंट होता है दुख उसके बाद मैं भी रिप्लेस हुआ हूँ हाँ। कभी कभी होता है लेकिन आ, ऐसा दुख नहीं होता है कि टूट गए या ये क्या हो गया क्योंकि अगर वो गया तो कोई और नया कैरेक्टर हमें मिल जाता है लेकिन सबसे ज्यादा दुख कौन से कैरेक्टर के रिप्लेसमेंट पे हुआ था याद है कुछ सबसे, सबसे ज्यादा बुरा तो, कौन सा जब आपको पता चला कि यू आर नॉट डूइंग दिस कैरेक्टर ऐसा तो अभी तक हुआ की <laughs> <laughs> चलो अच्छा है, ना हो हाँ, आगे भी ना हो तो अच्छा ही है हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो जो भी हम डब करते हैं वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं होती है वो प्रॉपर्टी होती है प्रोड्यूसर की क्लाइंट की तो जब उनका बच्चा है तो बेहतर जानते हैं कि उसके लिए कौन सही होगा कौन नहीं होगा हम दिल लगा बैठते हैं उसके साथ लेकिन पर वो हमारा होता हमारा नहीं, होता है।, नहीं है असलियत उफ, में देखा जाए <laughs> हाँ। तो तो इसीलिए वो वो उनको जो सही लगता है वो उसके लिए यूज कर लेते हैं और ज्यादातर होता क्या है कि लोगों को बड़ा जो हमारे चाहने वाले ना उनको बुरा लगता है क्योंकि उनको आदत होती है कि इस पर वही आवाज़ आनी चाहिए तो उन, प, उनसे भी पता लगता कि अच्छा हमें बुरा लगना चाहिए यार हम बदल गए इसमें ऐसा मेरे साथ हुआ था जब मैं डोरेमोन में मुझे रिप्लेस कर दिया गया था ना तो काफ़ी टाइम के बाद मुझे लोगों ने बोला कि सोनल यू शुड टेल योर फैंस दैट यू आर नॉट द वॉइस ऑफ डोरेमोन एनी तो मुझे ऐसा इनिशियली मैं आपको फ्रेंकली बताऊँ तो मुझे ऐसा लगा मुझे नहीं बताना लोगों को क्योंकि वो होता है ना मन में एक कि नहीं hmm. यार ये मेरा कैरेक्टर है hmm. Hmm. लेकिन मुझे कुछ लोगों ने hmm. समझाया कि नहीं यू शुड गो आउट एंड यू शुड टेल एवरीवन तो जब मैंने वो चीज़ इंस्टाग्राम पे अनाउंस की uh, क्योंकि लोग लोगों को पता चलने लग गया था कि hmm. ये वॉइस डिफरेंट है hmm. डिफरेंट है मैंने hmm. जब अनाउंस की और जब लोगों के मैसेजेस आए hmm. तब मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ कि ओह शेट ये क्या हो गया मेरे साथ hmm. तब मुझे बुरा लगना शुरू हुआ अच्छा यू आर राइट कि जब hmm. लोगों को बुरा लगता है ना तब हमें एहसास होता है कि hmm. बुरा लग गया है यू वो दॉइस ऑफ बग्स बनी ऑल्सो हाँ बग्स बनी भी है ना बग्स बनी कैसे बोलता था What's up, doc? चलो थोड़े से गाजर खा लें पेट तुम तो मैं इतना दम नहीं कि तुम तो मुझे पकड़ पाओ <laughs> क्या बात ये भी काफ़ी साल पहले से होते 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 काफ़ी लोगों ने इसको भी किया है hmm. रिप्लेसमेंट पॉलिसी इसमें भी चली है <laughs> काफ़ी साल पहले की बात है ये exactly एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है hmm. तो मैं सेकेंड रिप्लेसमेंट था बग्सबनी का उसके बाद तो काफ़ी सारे हुए okay. तो ये सब चलते रहता है और सबको काम मिले हाँ. सबकी चाहत होती है और बुरा सिर्फ तब लगता है जब

होता है काफ़ी बार होता है और बजट का ऐसा ऐसा मेरी मेरा मानना है कि बजट भी ना हमें एक एक मिथ है जिसको हम बहुत बिलीव करते हैं हमें लगता है हमने इतना चार्ज कर लिया एक्चुअली एज ए होल अगर देखा जाए वो वो प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट कितना कमाने वाला है होता क्या है रिटर्न पे हर बिजनेस कैसे होता है हाँ। रिटर्न पे आपको मिलता है हाँ। तो हम शायद ज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो ज़ीरो परसेंट पे चलते हैं पर उसको भी आर्टिस्ट सोचता है यार मैं इतना लूँगा वो हमें एक्चुअली पता नहीं वो भी पीनट ही है या। देखा जाए अगर कौन कितना रिकवर करने वाला है उससे तो बजट एक मिथ है हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एक अमाउंट सोच लेते हैं यार मेरे ये खर्चे हैं ये ये सब करना है तो इतना आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा तो इसीलिए वो कभी एक चीज़ सेट नहीं होती हाँ उसका कोई मापदंड नहीं है और हमारा टैलेंट ऐसा है, है जिसको आप वेट नहीं कर सकते कि इतने किलो का इतना भावी होना चाहिए सही बात है ना तो इसलिए ये कंपैरिजन yeah, uh, नहीं हो पाता कभी भी। इंडिया hmm. इंडिया uh, में में आर तो अंडरपेड? Hmm. Yes, hmm. तो अगर वो होता तो मैं अभी शायद चौपर से लैंड किया होता <laughs> <laughs> ऐसे बोला था कि अगर ये सब होता हाँ. तो मैं अभी अंधेरी में रह, रह रहा होता या पता नहीं टाउन में रह रहा होता ऐसा कुछ उसने एग्जांपल दिया था उन्होंने वो तो बहुत ही मुझे लोग कहते हैं शांत स्वभाव वगैरह एक्चुअली वो है मैं हाँ। कम लोगों के बाद सामने खुलता हूं, पर खुलता हूँ तो बहुत ज़्यादा खुलता हूँ तो इसलिए वो शांत स्वभाव के नहीं हो मैं हूँ जहाँ पे मैं जिस एनवायरनमेंट में मैं ज़्यादा क्या बोलते हैं आदि नहीं हूँ जिसके मतलब मुझे आदत नहीं है जहाँ जिसकी जो मतलब कुछ ही लिमिटेड लोग हैं जो मुझे जानते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कई बार मेरे मुझे देख के लोग समझते हैं कि बहुत एरोगेंट है एटीट्यूड है कुछ भी बोल देता है

और सुपरमैन है और आ, कुछ हीरोज भी हैं जैसे विजय देवराकोंडा है, है नानी है तो ये सब बहुत अच्छे लगते हैं मुझे क्योंकि जब वो वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं एक्टिंग में ना तो उनको और उभारने में और मजा आता है विजय देवराकोंडा से मिले हो आप कभी नहीं कभी नहीं मिला मैं उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी है जब अच्छा। खुशी मूवी थी तो कौन सी मूवी खुशी खुशी जो लास्ट आई थी उन्होंने तो उन्होंने सुना था तो मुझे एक्चुअली ढूंढ के निकाला था okay. हाँ मैं ऐसी मुझसे शिकायत रहती कि मैं फोन नहीं उठाता हूं, पर वो फोन होता नहीं मेरे पास बाहर रहता है इसलिए नहीं उठा पाता तो उन्होंने आपको कॉल किया उन्होंने नहीं किया मतलब जो भी हाँ तो फिर मैंने किया वो तो काफी सारे करेक्शन भी वो भेजते थे तो मिल तो नहीं पाए पर आवाज पहुंची मेरी उन तक क्या बात है इसका मतलब उन्हें आपकी आवाज पसंद आई 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 होप सो आई एम श्योर उनको पसंद आई तभी तो उन्होंने आपको ढूंढ के निकाल लिया चलो एक काम करते हैं एक छोटा सा सेगमेंट करते हैं जिसमें ना दिस इज वॉइस चैलेंज बैक टू बैक वॉइस चैलेंज okay. जिसमें मैं आपके कैरेक्टर्स का नाम लूंगी और हुँ. आपको बैक टू बैक वो वॉयसेस करनी है ओके आर यू रेडी यस ओके नंबर 1 शिशिमानु फ्रॉम निंजा तोरी कहाँ जा रहे हो अच्छा काम करना आते हुए मेरे लिए थोड़े से चॉकलेट रोल्स ले आना ओके ब्लू पावर रेंजर चलो साथियों आज हम दिखा देंगे कि पावर रेंजर्स में कितना दम है लेट्स गो लेट्स गो मैंने भी पिंक पावर रेंजर को काफी टाइम से लव किया है ओके शागी फ्रॉम स्कूबी डू स्कूबी चलो बहुत रात हो रही है अंधेरा भी हो रहा है अगर स्कूबी स्नैक नहीं नहीं मिला तो मैं से थोड़ा रिप्लेसमेंट था <laughs> <laughs> यार सच्ची में आप इतने सारे उसमें रिप्लेसमेंट ही थे मैंने भी वैसे छोटा भीम में परिग्ना को रिप्लेस किया था तो हाँ रिप्लेसमेंट होना भी लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती बिल्कुल बिल्कुल है ना बिल्कुल क्योंकि लोगों तक वो चीज पहुंच चुकी होती है उनको आदत पड़ गई होती है उस आदत को तोड़ के एक नई चीज पहचान बनाना उसमें उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा बिल्कुल, उतरना बिल्कुल, बिल्कुल। वो जो चाह रहे हैं हाँ। जो फ्लेवर चाहिए उन्हें कैरेक्टर से वही हाँ। देना अदरवाइज वो मैंने देखा है बच्चे छोड़ देते हैं हाँ। नहीं देखते है वो कि ये वॉइस नहीं है हाँ तो हमें नहीं देखना हाँ उन्हें मजा नहीं आता हाँ। हाँ। तो छोड़ देते हैं अच्छा गोलमाल का जो एनिमेटेड वर्जन बना है गोलमाल जूनियर उसमें आप माधव की वॉइस करते हो वो कैसे बोलता है गोबू तू तो गोबू नहीं बोबू है भोपु, और आज तुझे स्कूल से मैं निकाल के रहूंगा चाहे कुछ भी आ जाए <laughs> <laughs> क्या बात है छोटा अर्शद वारसी <laughs> अरशद वारसी का एनिमेटेड ऑस वर्ल्ड डेजी आज हम नए पौधे लगाने वाले हैं तुम जाके मेरे लिए टमाटर के बीज ले आओगी प्लीज

हमारी दुनिया में से कहते हैं उम्मीद ओहो स्पंज बॉब स्पंज बॉब नहीं नहीं पैट्रिक चलो आज जेली फिशिंग करने जाएंगे बहुत मजा आएगा और मेरा बैकपैक भी साथ ले आना सो क्यूट टाइसन फ्रॉम बे ब्लेड हाँ बे ब्लेड ये बहुत 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 पुराना कैरेक्टर है मेरा हम hmm. टायसन जिसके बाद से बे ब्लेड फिर बिकने शुरू हुए थे ओके okay. ड्रैगून पावर हो जाए शुरू वाह हाँ मंकी एंड ट्रंक उसमें आप ट्रंक का कैरेक्टर ट्रंक करता हूँ यार काके तू कब से उठा यार सुबह से मुझे एक आम भी नहीं खिलाया ओ यार जरा उलाटी मार के मुझे आम खिला दे मारियो मारियो लोही मेरा भाई है और उसे बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता चाहे मुझे, तो <laughs> मुझे इतना चिढ़ाता था, था ना जब हम लोग देखते थे और मुझे बोलता था तू डीडी है तू डीडी जैसी है जबकि मैं इतनी छोटी मासूम एकदम कोमल लड़की होती थी कुछ नहीं करती थी फिर भी वो मुझे मेरे ऊपर गुस्सा करता था बट डी डी अलग ही कैरेक्टर्स थे उस टाइम के right. है ना ओके okay, नेक्स्ट है ड्रैको फ्रॉम हैरी हैरी चाहे कुछ भी कर लो इस बार कोई चैलेंज मैं ही जीतूंगा और तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी वाह बहुत बढ़िया <laughs> अच्छा बहुत कम लोगों को पता है कि आप ना लिखते भी हो हुँ, हुँ. Uh, बहुत सारी फिल्म्स हैं जो इंग्लिश से हिंदी में डब हुई हैं लोगों ने देखी हैं बट वो डायलॉग्स आपने लिखे होते हैं हाउ डिफिकल्ट इज इट टू अडेप्ट क्योंकि इट्स नॉट जस्ट ट्रांसलेशन आप इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर रहे हो आप उसे इंडियन ऑडियंस के लिए अडेप्ट कर रहे हो आ, हम लोगों के लिए बिलीवेबल बना रहे हो मूवी तो कितना डिफिकल्ट होता है और कितना टाइम लगता है पूरी मूवी लिखने के लिए इसमें दो चीज़ें हैं जैसे कि एक होता है ट्रांसलेटर और एक होता है राइटर हाँ। तो इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है बिल्कुल तो एज अ राइटर क्योंकि मैं मुझे पहले से ही शौक़ था कि मैं लिखूं क्योंकि जैसे मैं ज़्यादातर चुप रहता हूँ अकेले रहता हूँ तो मेरे अंदर बहुत कुछ होता है एक्सप्रेस करने के लिए तो मैं थ्रू राइटिंग उसको एक्सप्रेस करता हूँ तो शुरुआत में मैंने गोस्ट राइटिंग से शुरू किया था एक हाथ ओरिजिनल फिल्म भी लिखी थी जो कभी रिलीज नहीं हुई अच्छा हाँ तो और फिर तो और लेकिन मैंने अपना कोर्स पूरा किया था जो थ्री एक्ट स्ट्रक्चर होता है जो फिल्म्स कैसी लिखी जानी चाहिए किस फॉर्मेट में लिखी जानी चाहिए उसकी मेरी स्टडीज़ मैंने पूरी की हुई थी और टू या ट्वेल्व में ऐसा हुआ था कि एक चेंज आया था जैसे कार थ्री में था ना कि एक न्यू जनरेशन आती है तो जो ओल्ड जनरेशन उसको थोड़ा सा बैक सीट बैक सीट लेना पड़ता है और तो ऐसा वक्त आया और मुझे मेरा काम थोड़ा कम हो गया राइटिंग का? हाँ डबिंग का डबिंग का, का काम थोड़ा कम हो गया अच्छा तो फिर उसके बाद मैंने ये राइटिंग इस राइटिंग क्योंकि तब तभी भी अब मैं माइक में जोक्स मारता था या चेंज करता था लाइनें तो लोग बोलते थे लिख 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 तो मैंने तभी फिर राइटिंग शुरू की क्योंकि मुझे ऐसा था कि अभी पैसे कम करके या कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके काम नहीं करना है तो ये भी मेरे पास एक टैलेंट है तो मैंने उसको भी यूज़ किया और फिर जब लिखना शुरू किया स्टार्ट किया तो धीरे 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 एक्सपीरियंस आने लगा तो समझ में आया कि जो अडेप्टशन जो चीज़ होती है उस उसमें इम्पॉर्टेंट होता है कि हम किस किस रीजन के लिए कर रहे हैं जैसे हमारे ऑडियंस जो इंडियन ऑडियंस हैं उनको काफ़ी सारे जो वहाँ के नॉर्म्स हैं वो पता नहीं है हाँ, हाँ। तो उनको इंडियनाइज करना पड़ता है हाँ। सबसे ज़्यादा कोई अगर वलगर बात है या इंग्लिश में कुछ गाली गलोच है हाँ। तो उसको करना होता है उसको इस तरीके से करना होता है कि पता भी ना चले कि वहाँ हुआ है हाँ। ताकि वो टीवी पे आ सके या कहीं हाँ। पे आ सके तो उसको टोन डाउन करना होता है हाँ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी जो असली फील होती है वो अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे सिर्फ तो उससे वो कैरेक्टर की खूबी नहीं आएगी अगर वो इंस्पेक्टर है या कोई विलन है तो उसकी वोकेबलरी उस तरीके की उसकी सोच वैसी है तो वर्ड्स वैसे बोलेगा वो अगर आपको ले, तुम से मैं बाद में देख निपट लूंगा तो मेरी स्क्रिप्ट में ना कभी भी विलन तुम नहीं बोलता है वो तू बोलता है क्योंकि उसमें गुस्सा आप किसी से गुस्सा हो रहे हैं और आप उसकी जान लेना चाहते हैं तो हम तुम्हें मार देंगे नहीं कह सकता हा, 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 मैं तुझे मार दूंगा तो ये सब चीजें मैंने थोड़ी सी लाई जैसे तू बोले लोग अगर दोस्त भी हैं तो तुम तुम करके बात नहीं करते हैं तू करके बात करते हैं Correct. तो काफी सारी चैलेंजेस आती हैं अडैप्टेशन में तू तराक एक्चुअली बहुत सारे ना रूल्स हैं हमारी इंडस्ट्री में कि इज्जत से बात करनी है हुँ, हुँ, अगर आपने आ, कोई आपका कैरेक्टर है और अगर आपने मॉम बोल दिया है एक बार तो फिर पूरी मूवी में आप मॉम ही बोलो आप उसको मां नहीं बोल सकते आप उसको मम्मा नहीं बोल सकते तो मुझे वैसे लगता है यार ये क्या बात हुई मैं तो अपनी मम्मी को मम्मा मम्मी मां कुछ भी बोल देती हूं ना तो लेकिन कुछ रूल्स हैं सेट रूल्स हैं जिसकी वजह से ना ऑडियंस ये भी सोचती है कि यार डबिंग में ना एक ही तरह से बोलते हैं अब मैं कितनों को एक्सप्लेन करूं कि यार जो एक इंग्लिश जो फॉर्म जिस तरह से बोली गई है तो हमें वो चीज़ फॉलो करनी पड़ती है जहाँ पॉज लिया है हमें पॉज लेना पड़ता है अब लोगों को लगता है ये लोग ऐसे बोलते हैं मैं तुम्हें जान से मार दूँगी अब लेकिन क्योंकि ओरिजिनल ने पॉज ऐसा लिया है तो हमें भी लेना पड़ेगा अब वो सारी चीज़ें हम ही समझ सकते हैं लेकिन हाँ अंडरस्टैंड कि कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें आप चेंज नहीं भी कर सकते उन चीज़ों की वजह से भी प्रॉब्लम आती है कभी राइटिंग में आती है और मैं आ, कोशिश ऐसे करता हूँ कि जो जो है ना कि आ, मैं तुम्हें कहना चाह रहा था तो हाँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जो पॉजेज़ है ना वो थोड़े नेचुरल जगह पे लिखूँ लाइनों में कि आदमी अगर वहाँ पॉज़ ले भी तो हो सकता है कि वहाँ वो रुक सकता है कि इंसान हाँ, बोलते हो जब मतलब हिंदी में बोलते हो वो नेचुरल लगे हाँ और होता भी क्या अभी ऐसा हो गया अभी ना क्योंकि पुरानी डबिंग सुन के वो वक्त एक अलग वक्त था वहाँ तब सैम्पल रेट्स अलग थे माइक्स की क्वालिटी अलग थी तब माइक्स अच्छे कंडेंस माइक कंडेंसर माइक नहीं होते थे तो हम लोगों को काफ़ी लाउड बोलना पड़ता था लोग काफ़ी लाउड डब कर करते थे क्योंकि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बड़ी ट्रैक्स कम होते थे ए ट्रैक होते थे टेप होता था तो वो सुन सुन के लेकिन जो नए आर्टिस्ट बने वो वैसे ही बात करने लगे Hmm. तो अभी सैडली मैं देखता हूँ कभी कभी कोई कोई सीरीज है या कुछ है ना सब लोग एक जैसे बात कर रहे होते हैं hmm. तो होता क्या है कि आदमी आप देखोगे कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो हंसेंगे अलग हाँ. वो छीकेंगे अलग hmm. पर लेकिन जब हम डबिंग का कॉन्टेंट देखते हैं तो ऐसा लगता है कि चार लोग बात सेम तरीके से कर रहे हैं hmm. क्योंकि वो पॉजेज पे वैसे ही रुक रहे हैं वो एक्सप्रेशन वैसे ही दे रहे हैं वो क्वेश्चन मार्क भी वैसे ही लग रहा है तो और जो नेचुरल चीज़ तरीका है बात करने का कर, जो मैं थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ अपनी डबिंग में लाने की तो वो अगर आ जाए ना तो बहुत अच्छी बात हो जाए सही बात है तभी आपकी डबिंग बहुत अलग सुनाई भी देती है क्योंकि वो बिल्कुल नेचुरल लगता है और ऐसा लगता हाँ। है कि वही कैरेक्टर बात कर रहा है हाँ मैं कोशिश करता हूँ पर वो काफ़ी बार लोग समझ नहीं पाते मेरे साथ एक बार ऐसा जोक भी हो गया था बहुत साल पहले आ, सुहाग दीवान जी एक स्टूडियो था आदर्श नगर में वहाँ पे वो होता था टेलीब्रेंस टाइप जो होता है ना कि हाँ मैं पहले हाँ। बहुत मोटा था हाँ हाँ। तो ऐसे ही कुछ था बालों का कुछ था अच्छा. तो मुझे दिया स्क्रिप्ट तो मैंने पढ़ने लगा कि मेरे मेरे बाल पहले ठीक नहीं थे फिर उनके उसके बाद मैंने शैम्पू लगा तो लेडी थिंक बोली स्टॉप 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 वॉट आर यू डूइंग बोले क्या हुआ ऐसे नहीं बोलते मतलब फिर कैसे बोलते मैं मेरे बालों पे मैंने लगाया उसके बाद मुझे फ़र्क पड़ा ऐसे कौन बोलता है <laughs> <laughs> तो बोले ना आप ऐसे ही बोले मतलब मैं ऐसे नहीं बोल पाऊंगा मैंने किया ही नहीं हो मैं कर ही नहीं पाया आपने छोड़ दिया मैंने कभी डब ही नहीं किया है <laughs> मैंने भी नहीं किया ऐसे। हाँ ये चीज एक दिमाग में सबके सेट हो गई है कि इस तरीके से बोलना ही मतलब डबिंग करना है <laughs> पर ये, <laughs> तो, ये कितना बुरा है ऑब्वियसली हाँ, बुरा ऐसे कौन बात करते हैं तो मैंने तुमसे हमारे भी पार्टनर्स हैं हम भी शादी हम कब आज क्या रोटी बनाओगे ऐसे कोई करता तो कोई नहीं, नहीं है। हाँ सही में और पहले तो ये भी होता था जैसे मोस्टली एनिमेशन में ऐसा होता था कि हिंदी का ही वर्ड यूज करना इंग्लिश का करना ही नहीं है फॉर एग्जाम्पल मैं उस बिल्डिंग में गई तो मैं उस इमारत में गई तो मैं कहती थी यार बच्चे कहाँ इमारत बोलते हैं है ना लेकिन हम भी कभी कभी बंधे होते हैं right, right. है है इसलिए तो क्लाइंट को पता होता है कि के ना का तो काफी सारी चीजें जो रिस्ट्रिक्शन में होती है क्योंकि फिर उनको मेल आते है माँ बाप के मेल आते हैं कि आप ये सब वर्ड्स ना यूज करें हमारा बच्चा ये बोलने लगा है एक बार तो अरे अरे बापरे पे भी ऑब्जेक्शन आया था काफी साल पहले उस सबको रीडअप करवाया गया था सो हम अरे बापरे नहीं बोल सकते बच्चों के शोज में हम कुत्ता भी नहीं बोल सकते यानी कि अगर सामने कुत्ता बैठा है तो हम कुत्ता नहीं बोल सकते हम कुत्ते को कुत्ता नहीं बोल सकते हमें डॉग बोलना बोलना पड़ता है, हाँ, doggy doggy बोलना पड़ता है है या डॉगी हालांकि डॉग को हिंदी में कुत्ता ही कहते हैं राइट बट स्टिल हम लोग नहीं बोल सकते और कौन से वर्ड्स हैं जो हम नहीं बोल सकते बदतमीज बेवकूफ बेवकूफ नहीं बोल सकते नालायक नालायक भी नहीं बोल सकते हाँ अच्छा इमोशन से याद आया अभी हमने इनसाइड आउट टू की है right. जिसमें मैंने जॉय का कैरेक्टर किया है right. और आपने एम्बेरसमेंट किया है Haan. कुछ थोड़ा सा रिक्रिएट कर दें हाँ कर सकते पर एम्बेरसमेंट <laughs> उसमें बोलता <laughs> है नहीं है कुछ बोलता नहीं है तो ठीक है ना मैं आपको क्यों देती हूँ आप जो भी आपको लगे आप बोलना ओह okay. Uh, oh guys, लगता है कोई नया इमोशन आया है तुम कौन हो <laughs> <said> कल बताऊं तो चलेगा क्या कल uh, अच्छा चलो हाथ तो मिला लो मुझसे दोस्ती करोगे आज, uh. आ, हाथ 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 आज लेकर नहीं आया नहीं है छुपा हुआ ये लो हाई फाइव oh लगता है ये तो बहुत ही शर्मिला तुम्हारा नाम क्या है मे, मे, मेरा मे, मेरा नाम सुबह ही किसी ने मुझे बोला था एम्बेरसमेंट बहुत ही अमेजिंग फिल्म थी बहुत ही अच्छी मुझे याद है मैं जब इसके लिए डब कर रही थी तो एली मैम और ग्रेटा मैम hmm. हमारे डायरेक्टर्स तो मैंने उनसे कुछ आई रिमेम्बर मैंने उनसे कुछ कहा कि मैम बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आएगी तो उन्होंने मुझसे कहा सोनल ये फिल्म बच्चों के लिए है ही नहीं एंड दैट इज वन आई यस यस ये भी एक हमारा नोशन है इंडियंस का कि कार्टून है तो बच्चे ही देखेंगे और हाँ. एनिमेशन एक अलग चीज़ है एनिमेशन के थ्रू काफी सारी स्टोरीज ऐसी भी होती हैं जो

बड़े ही उससे रिलेट कर पा रहे थे हम्म हम्म बच्चों ने देखी भी होगी मूवी तो उनको लगा होगा कि हाँ ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए है बट वो फिल्म बड़ों के लिए ही बनी थी जी जी बिल्कुल पर मैंने सुना है कि आपने ढाई साल की उम्र में डबिंग करना शुरू कर दिया हाँ। था। हाँ ऐसा मैंने भी सुना है <laughs> <laughs> मुझे याद तो नहीं है ढाई हाँ, तो साल तो मतलब इतने से हो गए इतने से लिटरली हाँ गो, हाँ गोद में था था के, कहते के, हैं दिलीप जी एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं दिलीप सिन्हा वो बताते हैं कि आ, कोई रोने का सीन था तो मुझे माइक पे लेके गए और मुझे चिमटी मारी और मैं रोने लगा रोने लगे, <laughs> लगे। <laughs> <laughs> अच्छा एक और चीज़ है जो इंडस्ट्री में ये चीज़ फेमस है कि जो मेल आर्टिस्ट हैं ऐसा बॉलीवुड में भी कहा जाता है पर क्या ये डबिंग इंडस्ट्री में भी ट्रू है कि मेल आर्टिस्ट आर पेड मोर देन फीमेल आर्टिस्ट्स इज इट ट्रू स्पेशली इन द साउथ फिल्म है कुछ हद तक तो है और जहाँ तक साउथ फिल्म की बात है तो जो जो दलील वो लोग देते हैं इस इस बात के लिए कि जो हीरो का है उसका काम ज़्यादा है और हीरोइन का काम कम है इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ और मैं वो यूज़ करता हूँ ये चीज़ कि मैं ना कितना दिन दे रहा हूँ कितना टाइम दे रहा हूँ कितनी लाइंस है ना इस पर मैं चार्ज नहीं करता हूँ अच्छा। मैं अपनी वॉइस अपने एक्सपीरियंस पर चार्ज करता हूँ ग्रेट कई बार एक एक कंपनी से मुझे फोन आया था तो दो तीन लाइनें थी हुँ. तो कह रहे थे कि कम कर दो यार दो तीन लाइनों के लिए आप इतना क्यों चार्ज करो तो मैंने बोला आपके पास ऑफिस है पूरा किसी से भी करा लो तीन लाइनें तो इन दो तीन लाइनों को बोलने के लिए मेरे बीस पच्चीस साल का करियर लगेगा ना सही उस एक्सप्रेशन के लिए तो ये जो कितना टाइम लगा क्या टाइम लगा क्योंकि जब मैं डब करता हूँ जब जहाँ तक साउथ की बात है हीरो डब करता हूँ तो मैं चार पाँच दिन तक करते रहता हूँ क्योंकि उसके जेस्चर्स उसका एक्सप्रेशन सब मैच करने में और अच्छे से बनाने में क्योंकि वो वो अभी इमोटल होने वाला है वो उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे और खुद देखेंगे तो बुरा लगेगा कि ये क्या कर दिया था बट साउथ uh, की फिल्म के जो हीरोज होते हैं ना uh, विल्स भी कमेडियंस भी साउथ की फिल्म में बेसिकली बहुत ज्यादा डिमांडिंग होते हैं वो बहुत बहुत तो आप ड्रेन आउट नहीं फील करते सात बारह बजे तक फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है फिर ऐसा लगता है क्यों कर रहा हूँ <laughs> पर लेकिन मज़ा भी उतना आता है हाँ। और फिर उससे रिस्पांस भी जब आता है ऑडियंस का जो होता है हमारे डायलॉग्स पे जब रील्स वगैरह बनती हैं तो बहुत अच्छा लगता है तो ऐसा लगता है जो मेहनत की वो सफल हो गई फिर ये याद नहीं रहता कि डब के बाद कि पैसा था नहीं था हाँ। फिर सिर्फ लगता है कि जो हम हैं वो चेंज हो जाते हैं क्योंकि हम जब घर से निकलते हैं तो इस मूड में नहीं होता कि हमें हंसना है रोना है रोमांस रोमांस करना है वो माइक पे जाके वो सारी फीलिंग्स जब आती है तो एक एक ऐसे लगता है एक अलग अलग लाइक लाइफ जी कर आए हाँ और आई थिंक वी आर वेरी लकी कि हम लोग इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले कर लेते हैं इतने सारे इमोशंस जैसे आपने बोला जो शायद हम कभी लाइफ में हो सकता है एक्सपीरियंस कर भी ना पाए बिल्कुल वो हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं वो हम परफॉर्म कर लेते हैं सो वेरी लकी है ना बिल्कुल और कभी कभार जैसे अ, मेरे मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि मैंने इतनी स्क्रिप्ट पढ़ी थी बचपन में कि मुझे एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि मैं क्या बात करूं मुझे समझ नहीं आता था क्योंकि मुझे हर चीज़ के लिए स्क्रिप्ट चाहिए मैं बाउंड हो गया था कि अभी मुझे पता तो नहीं क्या बोलना मैं तभी बोलता हूँ जब मेरे हाथ में पेज आता है तो फिर जब वो वो इसीलिए शायद मेरे अंदर का एक वो जो राइटर निकला वो उस वजह से तो कहीं इसी वजह से तो नहीं आपने एक्टिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं किया क्योंकि आपने एक फिल्म में एक्टिंग की है महाराजा जिसमें आपने गोविंदा का बचपन

Hmm. उसके लिए एक अलग डेडिकेशन और एक अलग कमिटमेंट चाहिए और डबिंग में ऐसा था कि मुझे ये चीज़ ज़्यादा इजी लगती थी क्या होता है एक काफ़ी बार लोग पूछते हैं कि एक्टिंग और डबिंग में क्या फ़र्क है हाँ. तो एक कैमरे के सामने इमोट करना और माइक के सामने इमोट करना डिफरेंट ही मकैनिज़म से चलता है hmm. तो मुझे हमेशा ज़्यादा डबिंग ज़्यादा अपील की hmm. और थोड़ा मैं आलसी भी हूँ <laughs> लगते तो <थो> नहीं हो <laughs> इसलिए एक्टिंग की तरफ इतना कभी अच्छा वैसे सीखा मैंने बहुत जो भी मैं कॉमेडी वगैरह करता हूँ क्योंकि उस मूवी में गोविंदा जी थे शक्ति कपूर थे तो okay. उन उनकी जो टाइमिंग होती थी वगैरह वो सब देख के बहुत कुछ सीखने को मिला था एक ही बार में वन टेक आर्टिस्ट चलो कुछ टंग ट्विस्टर्स हो जाए ओके okay. ओके okay, सर so आपको एक टंग hmm. ट्विस्टर तीन बार बोलना है ओके okay. एंड uh, मैं आप पे छोड़ती हूँ जिस भी आवाज में आपको बोलना है वो आप बोल सकते हो ओके ठीक है ओके तो फर्स्ट आप कौन सी वॉइस में बोलोगे फर्स्ट uh, करते हैं अर्शद वारसी की अरे वाह ओके ज़ेब्रा जिग एंड जेबराज जैग जेबराजिक्स एंड जेबराजैग जेबराजिक्स एंड जेबराजैग जेबराजिक्स एंड जेबराजैग दैट वाज सो इजी दैट्स That sounded सो so इजी <laughs> <laughs> क्या बात है ओके अ बिग ब्लैक बग बिट अ बिग ब्लैक बेर बिग ब्लैक बग बिट अग ब्लैक बैर अ बिग ब्लैक बग बिट अ बिग ब्लैक बैर अ बिग ब्लैक मैं मैं ऐसा सोच रही थी कि आप ऐसे मक्खन की तरह बोल दोगे एंड लास्ट में हल्की सी गलती हो गई ओके नेक्स्ट Uh red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry, red red lorry, <laughs> yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red red lorry, yellow next <laughs> <laughs> yeah, yes. superb, okay. Six slippery snails slid slowly seaward. Six slippery snails slid slowly seaward. Slid slowly seaward. Sli seaward.

विश यू विश टू विश आई विश टू विश दिश आई विश टू विश दिश टू विश आई विश टू विश दू विश टू विश ओके बहुत ही बढ़िया अच्छा अभी हमारी इंडस्ट्री में हमारी इंडस्ट्री में क्या पूरी दुनिया में ए आई के बहुत चर्चे हैं ए आई आने वाला है ए आई आने वाला है hmm. hmm. तो आपका क्या टेक है वॉइसिंग इंडस्ट्री में जो ए hmm. आई आ चुका है आने हुँ, वाला हुँ, हुँ. है क्या होगा कैसे होगा अभी हमारी हमारी कंट्री में किस चीज़ का कैसे यूजेज हो जाए ना ये एक तो गैस कर पाना मुश्किल है हुँ. और टेक्नोलॉजी को कोई नहीं रोक पाया कभी। Yes। जो भी रेवोल्यूशन आया है उसको कभी कोई रोक नहीं पाया है हुँ. पर कुछ रूल्स होने चाहिए जिससे हम सेफ कर सकें ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही का पड़ा भारी और दूसरे हाँ. का कम हाँ. कुछ बैलेंस हो जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में तो शुरू हो चुका है एक बैलेंस तो यहाँ पे भी हो तो बेहतर है तो लाइवलीहुड जिस, है और उसको कैसे यूज कर सकते है? हम अपने फेवर में ये सोचना चाहिए आई थिंक हमें राइट अडेप्ट करना।, right, करना चाहिए है ना? इस, बिल्कुल हाँ, मतलब हमें खुद को हमें देखना पड़ेगा कि हम इसके रहते कैसे खुद को relevant बनाए। right. और और तक तक का सवाल है, आ, है है, है, है। में मुझे पता है कि एक बेस होता है, एक होता कोई करता है, उसके ऊपर जिसकी आवाज चाहिए उसका लगा दिया जाता है। हुँ, हुँ। और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं अभी तक जो हुए हैं मैं नाम नहीं ले सकता पर उसका जो आउटपुट है वो अच्छा इसलिए नहीं आया क्योंकि जो बेस डब करता था उसी में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी ओके समझ लीजिए अगर आप एक्स वाई जेड

ये जो है ना इसको ए आसानी से कर लेगा लेकिन अगर कुछ अलग चीज की जाए एक अलग फील दिया जाए या जो नॉर्मल डबिंग होती है अगर कोई कोई एक पूरे पूरे कैरेक्टर है क्योंकि एआई में क्या होगा कि वो फास्ट प्रोसेस हो जाएगा अगर हम तीन दिन लगा रहे हैं तो हो सकता है वो ढाई दिन में हो जाए क्योंकि बेस तो उसको लगेगा ही ऐसा नहीं हो सकता कि वो डबी ना हो आप टेक्स्ट लिख के उसमें वॉइस बन जाएगा तो वो तो एकदम ही इमोशनलेस होगा रोबोटिक लगेगा हाँ और रोबोटिक अगर चल रहा है ना तो ये हमारे प्रोफेशन पे उंगली उठेगी कि हम ऐसे बोलते हैं जिसमें हमारी फील नहीं है तो अगर ए आई टेक्सट बोल रहा है और एक आर्टिस्ट बोल रहा है उसके अगर एक्सप्रेशन सेम है हाँ. तो ये हमें सोचना चाहिए कि ए आई कुछ गलत नहीं है कि हम हम कैसे किस तरीके से इस चीज़ को आ, क्या बोलते हैं सीरियसली ले रहे अपने काम को हुँ. अगर हम इतना परफेक्ट चीज़ कर दें हुँ. जैसे जब मैंने अरिजीत जी का नाम लिया ए आर रहमान हो गए ये लोग ए आई से नहीं डर रहे होंगे क्योंकि इनका जो एक्सीलेंस है ना उसको आप कुछ टच नहीं कर सकते अगर हमारी आपकी परफॉर्मेंस ऐसी हो जाए कि जिसको कोई कोई रोबोटिक चीज कोई रेप्लीकेट ही ना कर पाए क्योंकि वो जो ह्यूमन जीनियस है वो ह्यूमन जीनियस है उसको कोई मशीन टच नहीं कर सकती अगर आप उतना अच्छा परफॉर्म कर लें तो आपका टेक्स टू वॉइस इंजन हो गया या जो भी हो गया वो कर ही नहीं पाएगा पर जैसे ये जो टेक्स टू वॉइस है आ, ये पहले बहुत ऐसे साउंड करता था कि फॉर इंग्लिश डायल वन hmm. hmm. बहुत रोबोटिक था बट right. अब जैसे एलेक्सा है गूगल hmm. असिस्टेंट है hmm. ये लोग भी ये भी जब ये भी मशीन्स है ये भी टेक्नोलॉजी right. है hmm. लेकिन जब ये भी सुनाई देते हैं अब hmm. या सीरी फॉर दैट मैटर तो अब बहुत ऐसा लगता है कि बहुत उसमें ह्यूमनाइज हो गया है hmm. आगे चल के अगर ये भी एकदम परफेक्ट हो गया ह्यूमनाइज उतना नहीं हुआ है मैं बे, बेसिकली अभी इसीलिए मेरे ख्याल से इंग्लिश ही बोलती है ज्यादा या हिंदी हाँ, बोलती है तो हाँ, उसमें हाँ, समझ में आ जाता है हाँ, हाँ, और कहीं ना कहीं हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक रोबोट बात करने वाला है तो उसमें हल्की सी भी अगर ब्रेथ या कुछ आ जाए तो उससे हमें लगता है यार ये तो हमारी तरह बात कर रही है पर एक्चुअली वो नहीं और ख़ासकर जो हमारी लैंग्वेज है हिंदी उसमें इतने भाव है इतने इमोशंस है ना कि उसको पूरी तरीके से बना पाना आसान नहीं है अगर हम पाँच ही एक्सप्रेशन बोल रहे हैं ना तो आराम से कर लेगी अगर हम कॉम्प्लेक्स इमोशन है जैसे मेट्रिक्स में आ, प्रियंका चोपड़ा जी से हमने उनका करेक्टर उन्होंने डब किया था। तो और सिर्फ सा पार्ट जो था नहीं याद <laughs> याद नहीं है अच्छा आ, हाँ। ओके होगा क्योंकि मुझसे ही बोला था किससे कराया तो मैंने बोला सोनल से करा लो ताकि वो के उसको डब कर पाए अच्छा मुझे बिल्कुल याद नहीं हाँ तो ठीक है आपने लिखी थी मेट्रिक्स। हाँ मेट्रिक्स मैंने लिखी थी तो आ, आ, प्रियंका जी का क्या था वो राइटर के साथ ही डब करती हैं कि जो राइटर है वो साथ में बैठेगा और उनसे वो कॉन्वर्जेसन कौर, करते हुए बनाते हुए चलती हैं तो जो गाइड ट्रैक था उसमें अगर एट एट वर्ड्स थे हाँ। तो वो जब उनके पाँच वर्ड अल्फाज में लाइन खत्म हो जाती थी सिंक में क्योंकि वो जब बोलती थी तो हर एक वर्ड पे एक एक्सप्रेशन होता था अच्छा और वो मुझे समझाती भी थी कि डायरेक्टर ने क्या सोचा क्या उसका फील है तो वो वो एक लर्निंग चीज़ थी कि एक लाइन बोलनी है सिर्फ एक लाइन उसके पीछे इतना कुछ चल रहा है अगर वो चल रहा है और आप बोल रहे हो तो फिर उसका जो आउटपुट है ना वो डिफरेंट ही आता है कि हर एक वर्ड पे एक इमोशन निकल रहा है इमोशन तो सब वो ऊपर वाला नहीं एक फील है जो आपको महसूस होता है सुनने वाले को समझ में आता है अच्छा ये अभी दर्द में है या भी दुख है या भी सैड है या एक दबी जबान में आपको धमकी दे रहा है तो ये सब चीज़ें जो है ये मेरे ख्याल से ए जो है नहीं शायद पकड़ ले या हो सकता है बहुत टाइम लगे पर मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन जीनियस को जो जो हाँ। जो तरीके एग्जैक्टली exactly इमोशन के बेस से पकड़ सकता है अगर बेस अगर है अगर अच्छा बेस है अगर बेस वही है कि बस चार घंटे में करके निकलना है <laughs> तो फिर उसका आउटपुट आप किसी को बड़े से बड़े एक्टर की वॉइस उस पर डाल दें डबिंग आर्टिस्ट की डाल दें वो साउंड अच्छा नहीं करेगा पर आज मैं आपके साथ बैठी हूँ आपसे बातें कर रही हूँ तो कितनी सारी चीज़ें पता चल रही हैं मीट्रिक्स आपने लिखी थी पर मुझे ये भी खुशी हो रही है आपसे सुन के कि मैंने उसका गाइड ट्रैक किया था मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कार्स थ्री का याद है वो भी याद नहीं है उसका भी प्रेजेंटेशन था तो जब भी एलई डी एलाइज जो है मुझसे पूछती कि किससे कराएंगे तो मैं बोलता हूँ सोनल क्योंकि हम, मुझे ऐसा लगता है कार्स में कार्स थ्री का एक पोशन था जिसमें हम लोग को ये प्रेजेंट करना था क्लाइंट को हाँ? कि जो हीरोइन है हाँ? वो किस कैरेक्टर की होगी तो रेफरेंस था जैसे काजोल थ्री जी में होगी हाँ? या तो थोड़ी सी है मुझे? हाँ तो वो एक, एक दो मिनट का या ऐसा एक क्लिप्स डब कराए थे हाँ ये देखने के लिए कि अब जो 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 फील है जो लड़की का है क्योंकि हम लोगों को उसको इंडियनाइज करना था राइट right. तो इंडियनाइज में चुलबुली उसकी लैंग्वेज क्या होगी वो दिल्ली के स्लैंग बोलेगी या नॉर्थ के कौन से बोलेगी या कैसे क्या होगा अच्छा. तो उसके लिए हम लोग ने एक बनवाया था अच्छा तो मैं दिल्ली से आई थी इसलिए आपको लगा कि चलो सोनल से करवाते हैं ये था रीजन मैं दिल्ली से आई थी तो इसलिए? नहीं 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 मुझे इसलिए लगता है क्योंकि जो जो कैरेक्टर के लिए जो चाहिए होता है बेसिकली हम लोग ग्रगिट की तरह बदलने चाहिए हाँ। in, तो मुझे लगता है आपका जो जो तरीका है किसी भी कैरेक्टर में जाने का वो ऐसा है कि जो मैं लिखूँ हाँ। मैं जो लिखता हूँ तो बेजान लाइनें हैं, उनमें जान नहीं है उन्हें अच्छा बना देते जो भूलने वाले हैं राइट जैसे आ, आपका तो है ही इसलिए मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ दूसरा जैसे संकेत है hmm. शजाम में जो उसने मेरी लिखी हुई लाइनों में जो 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 थे, जो टाइमिंग थी उसको जो परफेक्टली oh. किया था yes. तो ऐसे काफी सारे लोग हैं जो उसको उन बेजान लाइनों में जान डाल देते हैं कुछ कुछ उसको बुरी तरीके से उसका कत्ल भी कर देते हैं। <laughs> <laughs> पर जो जान डाल देते हैं, तो अच्छा ऐसा लगता है कि अपना अभी काम पूरा हुआ वो वो बेजान लाइन को कुछ वो है है ही नहीं नहीं उसमें जान है ही नहीं। अगर उसको हाँ। so आपसे आप अप्रिसिएशन मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और ये मैं समझता हूँ तारीफ जो होती है वो पीठ पीछे होनी चाहिए मुंह पे तो चापलूसी होती है इसलिए मैंने कभी किसी को बोला भी नहीं हाँ। पर जब भी वो पूछते हैं मुझे तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस होता है थैंक यू सो मच पर ये बहुत बहुत ही कॉमन चीज़ है ना आई मीन ऑडियंस थोड़े हैरान हो जाएंगे कि इसको खुद ही नहीं पता कि इसने ये काम किया लेकिन हम लोग भूल जाते हैं ना बहुत भूल जाते हैं क्यों होता है ऐसे क्योंकि ये अब सांस लेना किसको याद रहता है वो बोलते हैं ना ध्यान दो कि तुम सांस ले रहे हो तो ये काम ए, ऐसा हो गया है कि सेकेंड नेचर सांस लेने जैसा हो गया है अब वो डायलॉग हमारे लिए डायलॉग नहीं है वो काम हमारे लिए काम नहीं है जब सामने से कोई बोलता है अरे आपने वो किया था हाँ। तो लगता है अच्छा हां, और हाँ और इतना अच्छा लग गया था हाँ। तो हमने तो सोचा भी नहीं था जैसे मैंने स्पॉन्च बॉब सेवन स्टैंडर्ड में जब स्टार्ट शुरू किया था मेरे लिए ऐसी एनिमेशन सीरीज थी पर अब लोग मिलते हैं बोले हमने बचपन से आपकी आवाज़ सुनी है हमारा बचपन आपने बनाया है ऐसी बातें तो पता नहीं चलता कि क्या करके आ गए हाँ। क्या हो गया लेकिन कभी आपको ऐसा लगता है कि जो आपको प्यार लोगों से मिल रहा है या जो मिलना चाहिए था हुँ, उसका हुँ. भी वैसे गलती आपकी है मैं, 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 शिकायत है मेरी आपसे मैं हर इल्ज़ाम अपने ऊपर ही <laughs> अदालत में हो आप आज <laughs> कि आप कटघरे में हो कि आप क्यों सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हो इतने लोग आपको प्यार करते हैं हुँ. इतने लोग आई एम श्योर जब आपसे मिलते हैं तो आपको कन्वे करते होंगे बट वाई आर यू नॉट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया मेरा ना एक अजीब सा स्टोरी है मैं ऐसे मैं वक्त पे पैदा हुआ जहाँ पे मैंने बहुत बड़ा ट्रांजिशन देखा जैसे अगर जो भी यंगस्टर्स हैं जो सोशल मीडिया पे डालते हैं और मैं भी यंग ही हूँ <laughs> पर एकदम जो अर्ली ट्वेंटीज में तो जब हाँ। जब मैं था तीन में अर्ली ट्वेंटीज में ना हाँ। तो किसी के घर गए या कोई आए तो वो सुनते थे कि डबिंग है तो उनको बड़ी फैसिनेटिंग चीज लगती थी कि ये क्या होता है बच्चा डॉक्टर इंजीनियर पायलट बनता है ये क्या है तो कहते थे बेटा क्या करते हो आप तो मैं ना बड़े शान से टीवी ऑन करता था और जो एनिमेशन चैनल लगा लो ना उस उसमें मेरी वॉइस होती ही होती थी hmm. तो मैं बोलता था ये मेरी आवाज़ है hmm. ये मेरी आवाज़ है <laughs> तो पता शायद वो बैक ऑफ द माइंड वो आदत पड़ी हुई थी कि यार काम तो देख लो हाँ, काम दिख जाएगा हाँ, हाँ. और मुझे सच में ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ऐसा बड़ा किया नहीं जो मैं बताऊं प्लीज़ कि देखो मैंने ये कर लिया देखो मैंने वो कर लिया मुझे लगता है कोई क्योंकि जो मेहनत है ना मेरी ऐसी थियोरी के जो मेहनत उस वो चीज़ होती है जो सबको लगती है कि मैं ही ज़्यादा कर रहा हूँ hmm. जैसे अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे घर से सिर्फ बैंड्रा जाना पड़ता डबिंग आर्टिस्ट बनने के लिए जैसे आप हो यू आर नॉट बॉर्न इन दिस सिटी इतनी दूर से आए तो मेरी मेहनत के सामने आपकी मेहनत तो वेस्ट होगी क्योंकि आप तो शहर छोड़ गया है और आपके लिए कोई और होगा जो एक गांव में जहाँ पे कहीं बद लाइट नहीं है सही से इंटरनेट नहीं है वहाँ से कोई इन्फ्लुएंसर बन जाए तो ये जो मेहनत जो है ये वो ऐसी चीज है जो हम कर सकते हैं और हमारे लिए कोई और नहीं करेगा उसको हम, हम ही बोल देते हैं मेहनत हाँ। वो तो हमें करना ही है तो मुझे लगता है तो मुझे करना ही है तो मैंने ऐसा क्या बड़ा काम कर लिया जो मैं करूं वैसे बहुत से लोग मुझे बोलते हैं इनक्रेज भी करते हैं थोड़ा बहुत कर भी लेता हूं पर मुझे ऐसा फील नहीं होता कि यार मैंने कुछ कर लिया और देखो <laughs> <laughs> अरे नहीं इट्स नॉट अबाउट मैंने कुछ कर लिया और देखो इट्स जस्ट अबाउट राइट राइट ये मुझे बहुत इसलिए इसलिए तो मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ मुझे हाँ। बाद में ये चीज़ समझ में आई कि लोग होते हैं जो देखना चाहते हैं सुनना चाहते हैं कि आपने क्या किया क्या नहीं किया उनका प्यार अजब प्यार है मैंने तो सुना था माँ का प्यार होता है ऐसा जो ये जो चाहने वाले हमें करते हैं इतने इतना बायस के कि, कि हमारा यही है तो यही करेगा हाँ। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा थोड़ा डालने की हाँ। और अप्रिसिएशन तो बेसिकली जब लोग मुझे कुछ कुछ जो हमारे इंडस्ट्री के बोलते कि यार तूने ये काम किया तूने बताया क्यों नहीं कोई भी तो मैं बोलता हूँ जिसको बताना चाहिए था ना उसको बता दिया जो मुझे और काम देगा अच्छा यू हैव अफुल वाइफ एंड अ सन आप लोग की लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज अरेंज मैरिज है अच्छा तो जब उनको पता चला था कि आप क्या काम करते हो तो उनका क्या रिएक्शन था उनका रिएक्शन जहाँ तक मुझे याद है पहले तो वो लोग समझ नहीं पाए थे मैं करता क्या हूँ हाँ। तो तब शायद उनको कहा था कि वॉइसिंग करता हूँ हाँ। तो उनको ये टर्म ही नहीं हाँ। ही नहीं समझ में आया कि वॉइसिंग क्या होती है तो मुझे समझाने के लिए उनको स्टूडियो ले जाना पड़ा अच्छा। और दिखाना पड़ा कि देखो ये मैं करता हूँ तो उसके बाद उन्हें समझ में अच्छा ये भी कुछ होता है चीज़ें होती हैं और उसके बाद वो ज़्यादा खुश इसलिए थी क्योंकि वो सब उन सारे कैरेक्टर्स की फ़ैन रही थी वो और मेरी साली जो मैं करता था डब जो गाजूवल्ड वगैरह हो गया हाँ। तो बोला ये तो ये तो वो आदमी निकला जिसको हम बचपन से, से आके थी। सुनते थे और मेरे साथ उल्टा हुआ था मैं जब कष्ट से फर्स्ट टाइम मिली थी उनसे फ़ोन पर बात हुई तो उनको पता ही नहीं था डोरेमोन कौन है छोटा भीम कौन है वो दुनिया से अनजान वो अपने काम में फोकस बोलो क्या ही किया लगा होगा ज्यादातर हम लोग जहाँ भी रहते है कभी भी अगर घर भी चेंज करते हैं ना मेरे मैं कभी नहीं बताता हूँ आस वालों को कि मैं क्या करता हूँ कोई पूछता तो बोलता हूँ ऑफिस का काम करता हूँ नॉर्मल क्योंकि क्या होता है जैसे आप बता दो ना आवाज निकालो ये 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 बताओ हाँ। ये बताओ अरे मैं घर आया हूं। ये मेरे साथ भी बहुत हाँ। होता है तो मेरी शादी के बाद मेरे साले सालिया हैं बहुत सारे वो बैठ गए बोले आवाज निकाल <laughs> मैंने एक भी नहीं निकाली कि आदत ही ना पड़े <laughs> लेकिन कभी तो निकाली होगी नहीं, नहीं नहीं निकाली मैंने हाँ। मैंने घुमा दिया बातों में हाँ। <laughs> मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता है मेरी सोसाइटी के बच्चे आ जाते हैं और कितनी बार ऐसा होता है ना आप थक के घर पहुंचे हो बट देन जब मैं वो बच्चों को देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है यार बेचारे हाँ। मतलब वो बहुत ही के साथ आए हैं बोलने तो मैं उत्कर्ष भी मुझे बोलते हैं मैं मना कर देता हूँ आप जाओ रेस्ट कर लो तो मैं कहती हूँ नहीं कोई बात नहीं मैं एक डायलॉग उनको बोलती हूँ हु� वो खुश हो जाते हैं वो चले जाते हैं राइट राइट बट हाँ कभी कभी सड़क पे कोई मिल जाता है मैम जरा सुनाना डोरेबोर्न की वॉइस <laughs> तो मुझे लगता है भाई जरा देखो तो सही खड़े हो <laughs> तो हाँ ये तो होता ही है वॉइस इंडस्ट्री में पैसा कितना कमाया जा सकता है पैसा कितना कमाया जा सकता है हाँ जिस जैसे किसी को अगर वॉइस आर्टिस्ट बनना है <laughs> तो उनका सबसे पहला सवाल होता है कि मैं कितने पैसे कमा लूंगा अगर मैं एक वॉइस आर्टिस्ट बन गया तो पहला तो सवाल यही होता है पहले बनना बट वॉइस hmm. कितना पैसा कमा लेते हैं कितना पैसा कमा लेते हैं ये तो डिपेंड करता है कि कितना टैलेंट है आप में आपकी वॉइस कैसी है और कितने आप ओपन है हर हर किसी के साथ काम करने में हर तरीके का काम करने में hmm. कि कुछ कुछ कैटेगरीज होती है कुछ वीओज में आते हैं hmm. कुछ आइडियाज़ में आते हैं कुछ कैरेक्टर डबिंग भी कर सकते हैं hmm. और शुगर कोटी डांसर तो होगा कि मेहनत कीजिए hmm. और अपने आप को तराशिए पैसा कमाना किसी भी फील्ड में आपके हाथ में तभी होता है जब आप उस लेवल उस एक्सीलेंस पे पहुंच जाते हैं कि लोगों को आपकी जरूरत हो हाँ। अगर आपकी जरूरत आपकी नीड बन गई कि आपके बिना कोई कैरेक्टर कुछ नहीं हो रहा काम नहीं हो रहा ऐसा नहीं काम तो किसी के लिए नहीं रुकता पर अभी भी कुछ जैसे मैं इतनी ज्यादा डबिंग नहीं करता हूँ लिमिटेड ही करता हूँ क्योंकि मुझे वही लोग बताते हैं जहां पे जो चीज है वो मैं ही कर सकता हूँ हमें शान ही चाहिए तो अगर आप उस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि आपको लोग चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप एक लंबे टाइम तक कर सकते हैं इसमें कमाई पर आज का ज़माना ऐसा है कि आप अगर जो लोग चाहते हैं कि वो डबिंग नए लोग जो है डबिंग आर्टिस्ट बने तो सिर्फ एक ही चीज़ में आजकल चलता नहीं है हाँ। आप ठीक है कमा भी लेंगे शायद और अगर जो ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग होते हैं मैंने देखा वो ज़्यादातर तो एक्सप्लॉयट ही हो जाते हैं क्योंकि उनके ईएमआई होते हैं उनके किराया देना होता है सब होता है तो बेचारे वो बोलते हैं ठीक है अब खर्चा है तो कर ही लेंगे तो जैसे हर फील्ड में होता है वैसे एक्सप्लाइटेशन भी है और अगर आपका टैलेंट है आप में तो कोई लिमिट ही नहीं है फिर लैक्स पे कमा सकते हैं आर्टिस्ट पर मन्त। पर मंथ मंथ में कमा सकते हैं शायद <laughs> कमा सकते हैं, कमा सकते हैं <laughs> <laughs> ये क्लेम देना थोड़ा <laughs> <laughs> कमा सकते हैं लेकिन कोर्स जैसे आपने बोला उसमें मेहनत टाइम एक्सपीरियंस बहुत लगता है जब मैं भी नई नई मुंबई आई थी एक्सप्लॉटेशन हुआ है मुझे खुद नहीं पता था कितना पैसा मांगना चाहिए right. पता ही नहीं था right. और कौन से प्रोजेक्ट के लिए थिएट्रिकल है तो उसका बजट अलग होता है नहीं पता था नहीं। अगर टीवी है तो अलग होता है टीवी सी अगर टीवी कमर्शियल अगर है उसका बजट अलग होता है पता ही नहीं था तो एक्सप्लोइटेशन हुआ है बट देन वो भी आपके लिए एक लर्निंग होती है तो धीरे धीरे वो एक जर्नी है हर आर्टिस्ट की तो है ना, और कुछ स्मार्ट कमर्शियल वाले भी होते हैं उनको समझो अगर आपको एक है ना तो वाइस स्टार्ट होते हैं या एम से स्टार्ट होते हैं अच्छा यार इतना नहीं इतना नहीं इतना नहीं तो आदमी सोचता है कि एक अमाउंट ले, ले उसको पाँच हजार रूपए देना ही है तो कहेगा यार हमारे पास तो डेढ़ हजार रूपए है बजट अरे यार इतना कम कैसे होगा ये तो हमेशा ही होता है तो वो धीरे धीरे आता है पाँच पे हाँ। अब जो नेगोशिएट कर रहा है उसको क्या लगता है यार मैं तो डेढ़ से पाँच पे आ गया उसको देना ही पाँच था <laughs> सही बात है <laughs> तो इसलिए भी आपको थोड़ा सा इसको एक बिजनेस तरीके से भी देखना चाहिए आपको एक अपने आपको प्रोडक्ट की तरह समझ के चलना चाहिए ये सब मैंने बाद में सीखा मैंने भी हाँ यही सब जो सोशल मीडिया वगैरह के थ्रू के आपको आपको कैसे अपने आपको मार्केट करना चाहिए क्योंकि जो सामने वाला है वो तो चाहेगा कि हम भी जब कुछ खरीदते हम चाहते सस्ते से सस्ते में हो काम हाँ. तो वो भी वही चाहते हैं कि सस्ते से सस्ते में होगा आपको अपनी वैल्यू पता होनी राइट, राइट आपको अपनी वैल्यू पता और वो धीरे धीरे पता चलती है वो एकदम हाँ. इनिशियली तो नहीं पता होती हाँ. इनिशियली तो यो राइट रेंट देना ई एम आई देना सब करना है तो और कितना भी कमा ले हम एट होते फ्री हैं तो एक वो इनसिक्योरिटी होती है तो मैं हमेशा जो भी आते हैं मुझसे पूछते हैं स्टूडियो में मिलते हैं ना तो मैं उन्हें कहता हूँ कि ये इस एक सोर्स ऑफ इनकम पे आप डिपेंड मत हो इसके साथ कुछ और भी आप करते रहो क्योंकि काम बहुत है पर कंपटीशन भी उतना है हाँ। लोग भी उतना है और हर दिन और आर्टिस्ट आ भी रहे हैं और साथ में एआई का भी एक जो हाँ, खतरा मंडरा रहा है तो क्या ऐसे ख्वाब देख के अगर आप आओगे कि यार लाखों कमा लेंगे और क्योंकि आवाज़ अच्छी या बुरी किसी की नहीं होती है Hmm. उसको आप कैसे यूज करते हैं yeah. उसके ऊपर डिपेंड करता है आवाज तो सबको ही मिली हुई है करेक्ट करेक्ट तो इसको एक, एक ये लाइन बोल के हम लोग ये खत्म करते हैं ये टॉपिक कि वॉइस आर्टिस्ट्स कैन अर्न इन बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस टाइम हार्ड वर्क पैशन एंड एंड पेशेंस क्योंकि जो पेमेंट होता है वो आप साइन तो कर देते हो वो कितने महीने बाद आपके बैंक में आएगा यस yes. उसके लिए एक इंतजार भी होता है क्योंकि एक 90 डेज़ का रूल होता है कि आपने जब काम कर लिया तो उसके दो या तीन महीने बाद ही आपको पैसा मिलेगा तो बेसिकली हम उधार की ज़िंदगी जीते हैं <laughs> <laughs> रोज़ उधार पे काम होता है हाँ। तो वो भी एक चीज़ है जिसके लिए पेशेंस भी रखना पड़ेगा कि आपने काम कर दिया और दस दिन में बोल रहे पैसा दे पैसा दे तो ये पॉसिबल नहीं होता हमारी लाइन में ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों को देखते हैं और उन्हें लगता है कि ये बहुत ग्लैमरस चीज है ये बहुत बड़ी चीज़ है हमें करनी है हमें भी ऐसा बनना है बट एक्चुअली इसके पीछे मेहनत बहुत है राइट तो इसलिए ये चीज़ें डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि हम लोग जहाँ पहुंचे हैं वो बहुत मेहनत करके और बहुत टाइम के बाद पहुंचे बिल्कुल हम जो हमारा जो लाइफस्टाइल स्टाइल है हम जो कमा पा हुँ, रहे हैं उसके पीछे बहुत सालों की मेहनत है राइट आपको कितने साल हो गए से तो हो गए हैं है ना और पहले तो रिकॉग्शन मिलता नहीं था और अब रिकग्नेशन मिलता है एंड में नाम आते हैं और फर्स्ट टाइम एक बड़ी अचीवमेंट मेरी ये हुई कि जो हनुमान मूवी आई थी अभी तक साउथ की हाँ हाँ। उसके स्टार्ट में स्पेशल थैंक्स में नाम आया था मेरा यस मैंने देखा था तो और और मैं ज़्यादातर अभी सोशल मीडिया पे इतना नहीं हूँ पर जैसे मेरी मारियो मूवी थी या ये हनुमान है तो मैं इंटरवल में जाके खुद ही अनाउंस कर देता हूँ कि ये जो हीरो आप देख रहे हैं ये मैं हूँ और फिर वो जो लाइफ जो प्यार मिलता है लोग के पास सब सेल्फीज लेते हैं प्यार देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है हाँ। क्या बात है इसका मतलब आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हो पर आप ऐसे बहुत एक्टिव हो या? ऐसे ऐसे मैंने कर एक दो बार, बार, बार है? किया है ये जो मारियो और इसमें हनुमान में तो वो जो लाइव वो एक अलग ही अलग अलग ही फीलिंग आती है वो जो प्यार जब मिलता है ना तो उसके बाद फिर ये पैसा वैसा कुछ समझ में नहीं आता और वो अपने साथ जाएगा यस yes, yes, <laughs> सही बात है चलो अब कुछ साउथ के एक्टर्स जिनकी हम इतनी देर से बातें करते आए हैं उनकी लाइव परफॉर्मेंस देख लेते हैं एक बार okay, ठीक okay. है तो मैंने कुछ डायलॉग्स लिखे हैं आपके लिए क्योंकि आई नो कि डायलॉग्स याद नहीं रहते हैं और ये इतना काम किया आपने तो आपको कहाँ ही याद होगा ढाई सौ तीन सौ लाइने बोलते हैं का क्या क्या याद है सही नहीं? बात है तो ये आपके लिए डायलॉग्स लिखे हुए हैं ओके हमें गलतियों को डिलीट करके फिर से लिखने का मौका नहीं मिलता हमें अपनी गलतियों के साथ ही जीना पड़ता है क्या विजय देवरकंडा ना। और नानी <coughs> जर्सी में से वो जॉनी के लिए इंडियन जर्सी लेनी है सुबह बोला था ना बच्चा पहली बार मुझसे कुछ मांग रहा है तो से लाके नहीं दूरी का तलपति विजय खालिद मैं आ गया तुझे बदला लेने के लिए पाले हुए कुत्तों और भाड़े के टट्टुओं की जरूरत पड़ती होगी लेकिन मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है क्या बात है <laughs> फिर तेजा सज्जा हनुमान से मणि बाबू जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो ना मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल गया है और अब ऐसा अच्छा लगता है कि मेरी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है क्या बात

मुझे नहीं पता आप क्या बोलने वाले हो मुझे नहीं पता मैं क्या बोलने वाली हूँ बट स्पंज पॉप ये पिज्जा स्लाइस मेरा है और ये मैं ही खाऊंगा समझे डोरेमोन देखो मैं स्क्वायर हूँ और ये ट्राइंगल है तो उस हिसाब से तो मेरा हक इस पे ज्यादा बनता है ना पर मैं भी तो मेरा फेस देखो ना मैं भी तो सर्कल हूँ ना तो मेरा हक भी उतना ही बनता है सर्कल में अगर ये ट्राइंगल जाएगा तो अटक जाएगा ये मेरे मुंह में ज्यादा अच्छे से फिट होगा नहीं नहीं मैंने बोल दिया ना कि ये पिज्ज़ा स्लाइस मैं ही खाऊंगा तो मैं ही खाऊंगा एक काम करो ये पिज्ज़ा स्लाइस मुझे दे दो और तुम्हें मैं डोरा केक दे देता हूँ डोरा केक एक काम करो तुम मुझे डोरा केक दो तब तक मैं ये पिज्ज़ा खत्म कर लेता हूँ ये तो गलत बात है गलत ऐसा नहीं होने दूंगा मैं ऐसे कैसे नहीं होने दोगे अच्छा इसके बदले में तुम्हें पैटी दू तो? मुझे नहीं खानी पैटी बैठी मैं तो पिज्जा ही खाऊंगा एक काम करते हैं है, सुनो, सुनो, सुनो। तो फिर भी सिखा सकता हूँ क्यों ना हम ये पिज्जा स्लाइस आधा आधा खा लें ठीक है आधा आधा कर लेंगे लेकिन मुझे बड़ा वाला आधा चाहिए <laughs> <laughs> तुम कभी नहीं सुधरोगे क्या बात है सुबह थैंक यू सो मच आज you. आप इतना टाइम निकाल के स्पेशली uh, सुबह के टाइम पे यहाँ पर आए हो मुझे पता है आप सुबह <laughs> सुबह कहीं नहीं जाते हो जी जी. लेकिन मैंने आपको मैसेज किया और एंड यू सेड यस थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके शो पे आऊँ और uh, कुछ बातें कह सकूँ पता नहीं मैंने कुछ सही बोला गलत बोला कुछ हो तो सॉरी uh, बोल दूँ मैं सबको अगर कुछ बुरी लगी हो किसी को बात सो थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक टू यू टू फॉर योर शो थैंक यू थैंक यू आप एक इंस्पिरेशन है बहुत सारे लोगों के लिए इंडस्ट्री में एंड ऑल्सो टू द पीपल हु वॉन्ट टू बिकम अ वॉइस आर्टिस्ट एंड वी ऑल रियली एडमायर यू एंड योर वर्क सेम से थैंक यू सो मच थैंक यू गाइज आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताना एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक डिट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल द मोटर माउथ हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में बाय बाय बायर यू